दोस्तों केके इंटीरियर के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पूरे फ्लैट में हमने जो डिजाइन दिया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए एंट्रेंस, जो दरवाजा खोलने के बाद एंट्रेंस स्टार होती है, इस दीवार पर हमने लगाई है फ्रेंच मोल्डिंग और सेम इसी दीवार पर फ्रेंच मोल्डिंग लगाई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंच मोल्डिंग जो है हमने दो प्रकार से लगाई है। जो साइड वाली है 30 mm में रखी है, इसके अंदर वाली जो है वो 22 mm में रखी है। इसी के साथ साथ एक मेन बात ये है कि यहाँ पर व्हाइट कलर की प्योर मोल्डिंग आई थी तो यहाँ पर हमने गोल्डन टेप लगाकर इसकी लुक को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इसके बाद देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए आपने हमने दो बॉक्स बनाए हैं, दो बॉक्स सेम साइज में दोनों साइड से, और ये वाला बॉक्स लंबा बना दिया तो इससे बहुत ही दीवार की जो लुक है बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसी के साथ चलते हैं इस दीवार पर। अभी हम एंट्रेंस पे ही हैं और एंट्रेंस में आप देख सकते हो यूवी मार्बल शीट जो 3D में है इंपोर्टेड वाली, वो हमने यहाँ पर यूज की है और ये देख सकते हैं आप नीचे भी और ऊपर भी हमने सेंटर में यह किया है और गोल्डन टेप साथ में लगाकर यूवी मार्बल शीट प्लस फ्रेंच मोल्डिंग से ये बड़े एंट्रेंस के साथ तैयार होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लॉबी में, जो हमारा पूरा हॉल है उस हॉल में सबसे पहले बात करेंगे इस दीवार पर। इस दीवार पर आप देख सकते हो फ्रेंच मोल्डिंग प्लस वही यूवी मार्बल शीट जो 3D वाली है वो हमने लगाई है। तो आप देख सकते हो एक डिब्बा हमने यहाँ पर लगाया है जिसकी लेंथ आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, जो हमने यहाँ पर रखी है 70 inch by 30 inch रखी है और सेम ऐसे ही 3 inch by 7 foot का हमने बड़ा साइज रखा है, 30 inch by 7 foot वो 70 inch अपना इस साइड रखी है। आप इस साइड भी देख सकते हो एक बॉक्स हमने इस साइड भी इसीलिए बनाया है क्योंकि ऊपर AC आया था, इस वजह से हमने यहाँ पर डिजाइन चेंज कर दिया, अदरवाइज ये डिजाइन चेंज किया था आंदा। इसके बाद बात करते हैं LED पैनल के बारे में, जो ड्राइंग रूम में हमने LED पैनल बनाया है तो उसमें सबसे मेन बात यह है कि जो आप ये वाला वर्क देख रहे हो ये हमने PVC से तैयार किया है और PVC से तैयार करने के मेन मकसद ये था कि यहाँ पर वुड वर्क का काम होना था। वैसे तो जो ये वाला एरिया है सारा वुड वर्क होना था, जो डिजाइन हमने सेलेक्ट किया था उसमें वुड वर्क का, तो वुड वर्क का जो टाइम पीरियड था 1 हफ्ता मांग रहा था कारपेंटर और प्लस 25 से 30 हज़ार रुपये इसका चार्ज कर रहा था, तो उस अमाउंट को टाइम को हमने बिल्कुल घटाकर सिर्फ 5,000 रुपये और एक दिन में पूरी दीवार तैयार कर दी है। तो ये वाला एरिया जो है सिर्फ 5,000 रुपये में तैयार हो जाता है। अगर आप PVC पैनल से बनवाना चाहते हो ऐसे बॉक्स से आप छोटे बड़े कोई भी बनवा सकते हो। 5 इंच आप इसको बाहर की तरफ निकालते हैं। इसके बाद एक यूवी मार्बल शीट लगाने के बाद इस साइड हमने WPC पैनल लगाए हैं। WPC पैनल यूवी मार्बल शीट का आप कोई भी कलर रख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर क्लाइंट ने ये वाला सिलेक्ट किया तो बहुत ही बेहतरीन लुक यहाँ पर उठ के आई है। इसके बाद बात करते हैं इस बेडरूम में हमने LED पैनल लगाया दोबारा से और ये बेड की बैक हो जाती है प्योर वाइट रखी है इन्होंने। इसके बाद चलते हैं इस दीवार जो बेड के सामने वाली दीवार है, बेड के सामने वाली दीवार में सेम वही प्रोसीजर है। ये देखिए PVC से जो है ये वाला एरिया बनाने कारपेंटर का सारा खर्चा बचा के 30,000 का जो बजट था कारपेंटर का वो हम सिर्फ 5,000 रुपये में ले आए हैं PVC पैनल में और अच्छी थिकनेस के साथ। और इसके बाद करते हैं WPC पैनल जो कॉफी कलर का हमने लगाया है और इसी के साथ साथ दो यूवी मार्बल शीट सेंटर में लगाई है, तो इसके साथ जो है पूरा का पूरा डिजाइन तैयार हो जाता है। WPC पैनल की जो कॉस्ट है 750 रुपये पर पैनल के हिसाब से निकल के आती है, यूवी मार्बल शीट की जो कॉस्ट है 3500 रुपये पर शीट के हिसाब से निकल के आती है और PVC से जो आप ये कुछ भी डिजाइन बनवाते हो उसका हम अंदाज़ा से ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा वर्क करवाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर मिलता है, वहाँ से जाकर आप हमसे बात कर सकते हो। बाकी KK इंटीरियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारा काम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।